हरिओम, मी सुरेखा अत्रावीरा अत्रावळकर, मीरा रोड उपासना केंद्र मराठी। मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा पूरा एजुकेशन भी हिंदी में हुआ है। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं जब बॉम्बे में आई तो मुझे मराठी नहीं आता था, करके मैंने धीरे धीरे मराठी सीखा और उसके बाद में मेरा 99 से मैं बापू के यहाँ आने लगी। बापू के यहाँ आने के बाद में मेरे को बहुत सारे ऐसे अनुभव आए, उसमें से एक अनुभव मैं आपको, ज़बरदस्त अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि 2004 में मेरी मम्मी मेरे पास में ही रहती थी। तो एक बार मम्मी को बहुत भाई की याद आ रही थी और मैं बापू के यहाँ पर जाती थी, हर गुरुवार को बापू का प्रवचन अटेंड करती थी। मम्मी भी मेरी बापू का करती थी और राम नाम की बुक भी लिखती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे भी बहुत भाई की याद आ रही थी, तो मैंने मिस्टर को बोला कि आप मेरे भाई को, हम लोग घर में टिल्लू बोलते हैं, तो मैंने उसको बोला कि टिल्लू को फ़ोन करके देखो क्या हुआ है, उसने बहुत दिन से फ़ोन नहीं किया। पर मिस्टर एकदम मेरी तरफ़ देखने लगे। मैं बोला क्या हुआ, तो बोले कि कुछ नहीं, तुम आओ मैं तुमको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में हेरिडिटरी हार्ट अटैक की, और जिसमें मेरे दादाजी भी 52 के एज में एक्सपायर हुए, मेरे डैडी खुद 53 के एज में एक्सपायर हुए, मेरे बड़े भाई साहब 42 के एज में एक्सपायर हुए। और उस समय इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में थी पहले, तब जब मैं 99 में मेरे बड़े भाई की डेथ हुई तो मैंने बापू के सामने एक ही प्रार्थना की थी कि बापू, अभी मेरे पास पहले दो भाई थे, अब मेरा एक ही भाई बचा है, उसकी रक्षा तू ही करना। हम मंदिर में बापू के सामने बोलते हैं, हमको लगता है कि बापू मंदिर में क्या है, फोटो है ना, बापू थोड़ी सुनते हैं, लेकिन बापू मंदिर में होते हैं, ये विश्वास हमको रखना पड़ेगा। और बापू ने ये, उस समय जब मैंने मिस्टर को बोला तो मिस्टर ने मुझे बताया कि उस समय मेरे भाई की एज सिर्फ 36 थी, और मिस्टर ने मुझे रात को बताया कि टिल्लू को सीवियर हार्ट अटैक आया है। और मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मैंने सिर्फ बापू के सामने जाकर प्रार्थना की, बापू मेरे भाई को तुम बचाओ, किसी भी तरह से बचाओ। उसको इंदौर में चौथराम हॉस्पिटल में एडमिट किया था और डॉक्टर ने बोला कि बहुत सीवियर केस है, और उसका शुगर 450 लेवल तक पहुंच चुका था, जिसमें उसका एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वगैरह भी नहीं हो सकता था। फिर डॉक्टर लोग बापू को इधर मैं प्रार्थना करती रही और मैंने रात भर बैठ के घोर कष्टोद्धारण का जप किया, वो भी बापू ने ही करवा के लिया। और फिर बाद में दूसरे दिन मैं बापू को प्रार्थना कर रही थी, क्या करूँ बापू मैं क्या करूँ। उस दिन मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली थी, बोला बाप रे अभी तो परसों भी मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा। और फिर मैं उस दिन पूरा दिन ही छुट्टी करके घर के गई, उसके बाद ऑफिस दूसरे दिन भी कैसे घोर कष्टोद्धारण का ही जप करती रही, जैसे कि बापू ने मुझे बता दिया था कि घोर कष्टोद्धारण करो। और फिर मैंने वापस मतलब जिस दिन बुलाया था मुझे उस दिन गई, तो दादा ने मुझे बोला कि आप कल गुरुवार है, तुम ऐसा करो कल 108 बार घोर कष्टोद्धारण करो। मैंने उनको हरिओम किया, बाहर निकली। अब मैं तो रात को 3:30 बजे उठ के पहले घोर कष्टोद्धारण कर लूँ, फिर ऑफिस जैसे जाती हूँ वैसे जा के, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी को नहीं बताना था कि भाई को अटैक आया है, नहीं तो वो वहाँ पे और परेशान हो जाती। मैं सिर्फ बापू को यही प्रार्थना करती थी कि बापू इंदौर तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन मेरे भाई को किसी भी हालत में आप बॉम्बे लेके आओ और यहाँ पर ही उसका जो कुछ है इलाज कराओ। उसी समय मैं भाई, फिर भाई से मेरी बात हुई, भाई ने बोला मेरा शुगर डाउन नहीं हो रहा है, और उन्होंने मुझे बोला है कि एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही बापू के रोज़ घोर कष्टोद्धारण करती रही। फिर एक दिन मिस्टर वहाँ पर गए और उन्होंने डिस्चार्ज लिया और उसको बॉम्बे लेके आए। जब यहाँ पर वो बॉम्बे में आए तो उसको अपॉइंटमेंट चाहिए था बॉम्बे हॉस्पिटल का, क्योंकि उनका जो मेडिकल क्लेम होता है ना वो बॉम्बे हॉस्पिटल से ही कनेक्टेड था। तो बॉम्बे हॉस्पिटल में गए, बॉम्बे हॉस्पिटल में वहाँ पर भी मिस्टर का एक स्टूडेंट मिल गया, और उसने मिस्टर को बोला कि अरे इतनी सी बात है, मैं तुझे एक बड़े डॉक्टर का सत्यमान शर्मा, जो कि 25 दिन लंदन में रहते हैं और सिर्फ 5 दिन के लिए वो मुंबई आते हैं और ऑपरेशन करके निकल जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट मिला। और उन्होंने तुरंत ही उसको हाथ लगाते से बोल दिया कि आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। मैं दादा के पास में गई, दादा एंजियोप्लास्टी के लिए बोला है, दादा ने बोला कुछ काही काळजी करू नका, सगळं व्यवस्थित होईल, काही होणार नाही। और फिर मैं वैसे ही ऑफिस चली गई। ऑफिस जाने के बाद मैं मिस्टर को फ़ोन करती हूँ कि प्लास्टिक के लिए एंजियोग्राफी करना पड़ता है ना, क्या हुआ क्या हुआ। और मिस्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं, क्योंकि उनको लगा इसको टेंशन होगा। उस समय उसको 83,000 भरना था वहाँ पे मिस्टर को, तो वो पिन भी भूल चुके थे घबराहट में।
फिर उनके उन्होंने बैंक में फ़ोन किया 80,000 जहाँ की 2.5 लाख रुपए खर्चा लगने वाला था, बॉम्बे हॉस्पिटल में भी सिर्फ 80,000 भरने से उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। और उन्होंने बोला आप पैसा बाद में जमा कर सकते हो। इस तरह उसका एंजियोप्लास्टी भी अच्छे से हो गया। और फिर जब आया घर पे, तो नहीं, जब एंजियोप्लास्टी हो रही थी तभी डॉक्टर ने उसको एक चीज़ बोली कि भाई आप एक चीज़ बताओ मुझे कि आपके सिर पर किसी बड़े आदमी का हाथ है क्या। तो उसने बोला, क्योंकि हमारे घर में सब गजानन महाराज के भक्त है, तो उसने बोला हाँ गजानन महाराज से क्या मैं भक्त हूँ, तो उनका ही हाथ होगा मेरे सिर पे। तो बोले हाँ ठीक है जो भी है, लेकिन जो जो आपके ये है वेन है, मेन वेन है जो कि दिमाग को ब्लड पहुँचाती है, वही 99.5% ब्लॉक थी। सिर्फ 5% आपके दिमाग को ब्लड जा रहा था, और जिसके लिए आदमी सिर्फ 21 सेकंड जिंदा रहता है और आपने 21 दिन निकाले हैं, तो जरूरी किसी बड़े आदमी का हाथ है। और इस प्रकार उसने बोला, घर पे आया और फिर घर पे मैंने बोला भाई 15 दिन तू इधर ही रहे, बाद में ही तू जाके उधर डॉक्टर से चेकअप करा के बाद में ही घर जाना। तो वो घर में बैठा और मुझे बोलने लगा कि दीदी मुझे है ना वो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तेरे सिर पर किसी बड़े आदमी का हाथ है। तो मैं तो हंसने लग गई, मैंने बोला मेरे बापू के सिवा तेरे सिर पे किसी का हाथ नहीं होगा, लेकिन मैं किसी को दुखाना नहीं चाहती, जिसका सदगुरु है उसका सदगुरु, उसका गजानन महाराज पे विश्वास है तो गजानन महाराज, मैंने कुछ नहीं बोला। और फिर बाद में वो बैठे बैठे एकदम बापू की फ़ोटो देखने लगा और ज़ोर से चिल्लाया और मेरे को बोलता दीदी इधर आओ। मैं बोला क्या हुआ, मैं घबरा गई कि उसको सिर वापस कुछ चेस्ट में पेन हो रहा है क्या। बोलते अरे नहीं नहीं वो जो डॉक्टर ने बोला था ना कि तुम्हारे सिर पे किसी बड़े आदमी का हाथ है, अरे मेरे सिर पे तो इसी बड़े आदमी का हाथ है, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे बाजू में खड़ा था। और इस प्रकार बापू ने उसकी जान बचाई। हरिओम श्री राम अम्बद्य नाथ संवित नाथ संवित।